हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर दिन की तरह हमने इस वीडियो में फटाफट जीके के सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चन जो इंडियन जो नेशनल पार्क रहे नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कुल मिला के टोटल नेशनल पार्क कितने की रहे। इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 106 नेशनल पार्क। एंड आपको सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रहे। एंड इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क रहे। नेक्स्ट नंबर टू, व्हिच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट। ये जो ऑप्शन में देख रहा है, इनमें से कौन सी स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज नोन एज द टाइगर स्टेट। इंडिया में जो टाइगर स्टेट है, मतलब ज़्यादातर टाइगर वही मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 785 टाइगर रहे, टोटल 785 टाइगर है। एंड उसके बाद कर्नाटक आएगा। कर्नाटक में आपको पूछे तो कितने के टाइगर रहे अभी के टाइम में, कर्नाटक में टोटल 563 रहे 2018 से। आपको पूछे तो 2018 में, जो कि इसका जो कर्नाटक में जो टाइगर, जो कि कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश से लगभग बराबर था, बट ये मध्य प्रदेश में अभी के टाइम में ज़्यादा रहे, मतलब 585 एंड कर्नाटक में 563 टाइगर। नेक्स्ट नंबर थ्री, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडिया में जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ये कौन सी है, ये है हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये आपको पूछे तो मतलब जो कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर जो साउथ एशिया रहे, होल साउथ एशिया में की ये लार्जेस्ट है। याद रखिएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, ये जो हेमिस नेशनल पार्क एस्टेब्लिशमेंट है 1981, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। एंड इसका एरिया आपको पूछे तो ये एरिया जो कि 600 स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर 600, इसका एरिया 600 किलोमीटर स्क्वायर रहे। एंड ये 600 किलोमीटर से अभी के टाइम में ये आपको 4400 किलोमीटर स्क्वायर ये बन गया है इसका एरिया। याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क ये है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। एंड सबसे आपको पुराना नेशनल पार्क आपको पूछे तो जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट नंबर फोर, कान्हा नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। कान्हा नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में रहे, ये हुई मध्य प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। एंड ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, एस्टेब्लिशमेंट है 1 जून 1955 में, मध्य प्रदेश में रहे। एंड ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको वही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। याद रखिए, 1 जून 1955 में ये स्टेट जो कि नेशनल पार्क बने, ये नेशनल पार्क ये बने कान्हा नेशनल पार्क। एंड इसका एरिया आपको पूछे तो एरिया है 940 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर फाइव, रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। रणथंभौर नेशनल पार्क ये कौन सी प्लेस में रहे, ये रहे राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। याद रखिएगा, जो कि ये राजस्थान की बिगेस्ट नेशनल पार्क है। एंड राजस्थान की कैपिटल आपको पता ही होगी, कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजन लाल शर्मा एंड गवर्नर है कलराज मिश्रा। याद रखिएगा, स्टेट डे आपको पूछे तो मार्च स्टेट डे है। याद रखिएगा, ये रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में रहे। नेक्स्ट नंबर सिक्स, गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात इज फेमस फॉर। पता ही होगा आपको, गिर नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है, ये अभी के टाइम में गुजरात में आपको मिलेगा गिर नेशनल पार्क। एंड ये कौन सी जानवर के लिए ये फेमस है, ये लायन के लिए है, एशियाटिक लायन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में रहे। एंड इसका मतलब आपको पूछे तो टोटल कितनी लायन रहे इसमें,
एशियाटिक लायन कितने की रहे, टोटल जो लायन रहे 674 टोटल लायन रहे। एंड गुजरात का कैपिटल आपको पूछे तो गांधीनगर होगा। नेक्स्ट नंबर 7, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में रहे, ये इस वीडियो में हमने सिर्फ पर सिर्फ जितना भी नेशनल पार्क रहे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितना भी एग्जाम है सभी के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। वीडियो को कोई भी लाइक नहीं कर रहे हो, आपकी एक छोटी सी लाइक बहुत ही हेल्पफुल होती है हमें वीडियो बनाने में। सो लाइक कर लेना एंड आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ जो कि सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में रहे, ओडिशा में रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। एंड ओडिशा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सिमलीपाल नेशनल पार्क मिलेगा। कैपिटल पूछे तो जो कि भुवनेश्वर ओडिशा की, एंड सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास, याद रखिएगा रघुवर दास से पहले जो कि गणेशी लाल थे गवर्नर थे, याद रखिएगा। एंड ये जो सिमलीपाल नेशनल पार्क रहे, सिमलीपाल की एक ऐसा ही रहे कि जो कि रेड आंट चट्टी ने रहे उसे जीआई टैग मिली है, हमने करंट अफेयर टॉपिक में भी डिस्कस की है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट काई चटनी गेट जीआई टैग। ये क्वेश्चन में वही लिखा गया है जो काई चटनी रहे, मतलब कौन से स्टेट की काई चटनी को जो कि जीआई टैग मिली है, अभी हमने डिस्कस की ओडिशा की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ओडिशा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की सिमलीपाल की ये जो पीपुल रहे उन्हीं की ये चटनी है काई चटनी, जो रेड आंट रहे उनसे बनवाया जाती है। इसका केजी लगभग 200 से 300 केजी से बिकती है, याद रखिएगा। ओडिशा की काई चटनी जो मयूरभंज की सिमलीपाल की काई चटनी को जीआई टैग मिली है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना ये 10 साल तक दी जाती है, इतनी सी बात अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं नंबर 9, व्हिच नेशनल पार्क इन इंडिया इंडिया हैज एस्टेब्लिश इन 1936। व्हिच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज एस्टेब्लिश इन 1936 जो कि ओडिशा का स्टेट डे है। एंड ये कौन सी नेशनल पार्क जो कि 1936 में एस्टेब्लिशमेंट करी गई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क, याद रखिए 1936 में एस्टेब्लिशमेंट करी गई। नेक्स्ट नंबर 10, होम टू द स्नो लियोपार्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच प्लेस। होम टू द स्नो लियोपार्ड द हेमिस नेशनल पार्क, जो हेमिस नेशनल पार्क है ना ये कौन सी प्लेस में स्थित है, ये लद्दाख में आपको मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लद्दाख। जो कि जो स्नो लियोपार्ड रहे जो कि हेमिस नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, एंड ये आपको लद्दाख में मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 11, राजाजी नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। ये नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट नंबर 12, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में रहे, ये भी उत्तराखंड में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर ये उत्तराखंड में रहे, एंड जो राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में रहे, याद रखिएगा जो ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में रहे, ऐसे से याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 13 होगा। सो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैनेज कर लेना। नंबर 13 पर रहे, व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस की जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड ये कौन सी ईयर में आपको पूछे तो कौन सी ईयर में ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है, 1936 में। एंड ये ओडिशा का स्टेट डे है जो कि अप्रैल 1 होती है, याद रखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये सबसे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है।
नेक्स्ट नंबर 14, नामथापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? नामथापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? नामथापा नेशनल पार्क एक रहा, ये कौन से स्टेट में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। एंड अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आप पूछे तो यह है ईटानगर। नेक्स्ट नंबर 15, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? बंधवगढ़ नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में रहे? जितना भी नेशनल पार्क है ना, ये सभी मतलब कौन सी स्टेट में रहे, कौन सी प्लेस में रहे, इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये सभी को याद रखेगा। ये जितना भी डिस्कस किया जा रहा है, पहले से हमने ये नेशनल पार्क के बारे में और एक वीडियो में भी डिस्कस की थी, बट ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं की थी, इसलिए ये क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। ये सभी को याद रखिएगा और इसका PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। सो याद रखिएगा, ये जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क ये कौन सी स्टेट में रहे? ये मध्य प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में रहे बंधवगढ़ नेशनल पार्क। एंड जो कि एंड ये मध्य प्रदेश को जो कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। एंड टाइगर आपको पूछे तो कितने टाइगर है, अभी हमने डिस्कस की, मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। एंड कितनी के टाइगर रहे? जो मध्य प्रदेश है ना, इसमें 785 टाइगर रहे। उसके बाद कर्नाटक आएगा, कर्नाटक में 563 टाइगर रहे, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रहे। एंड कान्हा नेशनल पार्क आपको भी मध्य प्रदेश में मिलेगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो मध्य प्रदेश में बंधवगढ़ नेशनल पार्क ये स्थित है, ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है 1968 में, एस्टेब्लिशमेंट है, याद रखिएगा। जो कि ये लोकेटेड रहे, ये जो रहे, ये बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमोरई डिस्ट्रिक्ट में रहे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उमोरई, याद रखिएगा। सो ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 16, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में काजीरंगा नेशनल पार्क है? ये आसाम में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आसाम में रहे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में रहे। नेक्स्ट नंबर 17, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट? ये बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कौन से स्टेट में आपको मिलेगा? ये कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटक। एंड ये कर्नाटक जो कि सेकंड हाईएस्ट टाइगर जो कि कर्नाटक में रहे, मतलब जो कि टोटल टाइगर आपको पूछे तो 900 इसका जो टोटल टाइगर है ये है 563 टाइगर रहे। एंड सबसे लार्जेस्ट जो कि मध्य प्रदेश में रहे 785, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये बांदीपुर नेशनल पार्क ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई 1973 में। नेक्स्ट नंबर 18, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड ये जो कि सबसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वाज एर्लियर नोन एज इसका जो पहले से नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका जो पहले से नाम ना, ये हेलिस नेशनल पार्क नाम हुआ करता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेली नेशनल पार्क। एंड 1950 में ये रीनेम की गई। एंड ये जो नेशनल पार्क बने, कौन सी ईयर में ये नेशनल पार्क बने, अभी भी हमने डिस्कस की, 1936 में ये नेशनल पार्क बने, सभी को याद रखिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा भी दीजा रहा है, ये सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पहले से नाम हेलिस नेशनल पार्क हुआ करता था। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये एस्टेब्लिशमेंट करी गई है 1936 में, एंड इसका रीनेम की गई है 1950 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहा है नंबर 19, द नेशनल पार्क विच इज फेमस एज द होम ऑफ बिग फाइव इज ये कौन से नेशनल पार्क रहे? मतलब ये ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इसमें फाइव बिग जानवर है, इसका होम है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखना। जो कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि इसमें फाइव बिग जानवर रहे। एंड एक तो रहे जो कि एलिफेंट रहे,
एशियाटिक बुफालो रहे, एशियाटिक बुफालो एंड और जो रहे वो है राइनासोर, टाइगर रहे एंड ईस्टर्न स्वाम्प डियर एक रहे, ऐसा ही डियर की ईस्टर्न स्वाम्प डियर यहाँ जो रहे, ये फाइव जानवर जो कि पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, याद रखिएगा। एंड ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपको आसाम में देखने को मिलेगा, आसाम में। एंड असम की कैपिटल आपको पूछे तो ये है दिसपुर कैपिटल है। एंड सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, सीएम है, गवर्नर है श्री गुलाब चांद कटारिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये सभी को याद रखिएगा, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में फाइव बिग जानवर रहे, ये जितना भी जानवर देख रहे हो। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 20, सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैस, कौन से स्टेट में रहे सतपुरा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में रहे, ये मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहे, मध्य प्रदेश की होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि सतपुरा नेशनल पार्क रहे। एंड इसका कैपिटल आपको पूछे तो मध्य प्रदेश की ये है भोपाल। एंड सीएम है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे ऐसा ही कमेंट की है कि वीडियो लेट हो रहा है, सो क्या करें, ये जितना भी ऑडियो दी जा रहा है ऑडियो की प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये जितना भी ऑडियो ये दिन में तो बिल्कुल नहीं शूट किया जा रहा है, मतलब शूट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बाहर की जो रोड की साउंड आ रहा है, जो कभी कुत्ते भूक रहे हैं, कभी ट्रेन की आवाज़ आ रहा है, और ऐसे भी रात में भी ऐसे आ रहा है, तो क्या करें, ये सभी के सभी रात में ही शूट की जा रहा है, जो 3 या 4 बजे शूट की जा रहा है अभी के टाइम में, जो कि 3 बज रहा है शूट की जा रहा है, बट क्या करें, ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कुत्ते भूक रहा है, सो इसीलिए ये वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है, मतलब बाहर की साउंड के कारण जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ दिन में, जो वीडियो में जो ऑडियो दी जा रहा है ये सभी के सभी टाइपिंग की जा रहा है, टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये शूट करने में जो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, सो इसीलिए ऐसे ही लेट हो रहा है वीडियो आने में, सो क्या करें, इसलिए सो सॉरी, मैनेज कर लेना और कोशिश करेंगे इसका जल्दी ही सोल्यूशन, कोई एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। एंड ये जो डेली डेली बेसिस पे करंट अफेयर भी हमने डिस्कस करेंगे, जो दोनों दिन में जो करंट अफेयर डिस्कस की जा रहे उससे नहीं, हमने डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, बट डेली बेसिस पे डिस्कस करने यही दिक्कत होगा कि हमने मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, मतलब जितना भी कम समय हो और जितना भी इम्पोर्टेंट है बस उसी को डिस्कस करेंगे, मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यही ये चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि जितना भी ये जो जीके डिस्कस की गई ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड जो करंट अफेयर भी डिस्कस की जाएगी ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, सो इसलिए हमारे साथ जुड़ के रहेगा। एंड वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना दोस्त के साथ, एंड कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करो, एक ही लाइक ही करना, आपका एक ही लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही मोटिवेट करती है वीडियो बनाने में, पसंद है तो लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, डेली करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।